अनूपपुर जिले के जैतहरी में सीटू ने अनुविभागीय अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि मेजर वेयर पावर प्लांट अनूपपुर जिले के मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार बंद करे। बाहर से आने वाले कर्मचारियों और मजदूरों को अच्छा खासा वेतन दिया जाता है और स्थानीय लोगों के मानदेय में बंधु मजदूरों जैसा वेतन के व्यवहार को बंद करे। भू अर्जन के समय किए गए वादे को निभाया जाए। सीटू का कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 15 दिन के अंदर यूनियन उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो जैसे ये है इसमें कि जो कंपनी हम लोग के साथ शोषण कर रही थी, 10 साल तक वहाँ काम करवाई और बिना कोई गलती की वजह से निकाल के हम लोग को बाहर कर दिया काम। क्योंकि कोई नहीं बोले बोले कोई छटनी कर रहे हैं, हमको यहाँ कंपनी में काम ही नहीं है। आप लोग सर शुरुआत पे हम लोग का 3,000 से शुरू थे। 3,000 कितने घंटे के? 8 घंटे का। 8 घंटे का, तो आपने पूछा नहीं कि ये 3,000 8 घंटे का किस हिसाब से दे रहे हैं आप? तो बोले ये कंपनी का काम है, इसमें आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो दस्तखत करते हैं आप कॉन्ट्रैक्ट के बेस में, जो दस्तखत है वो आप खुद करके दे रहे हैं कि हम 3,000 में काम करने में तैयार हैं। तो आज आपको निकाल दिए गए हैं? जी सर, 10 साल से हम लोग काम कर रहे थे, हमको निकाल दिए गए। फिर आपने कहाँ शिकायत किया? सर हम शिकायत तो यहीं आते जो यूनियन संघ है उस पर ही आते हैं, क्योंकि वहाँ बोलने से तो कोई फायदा है ही नहीं। क्या समस्या है गणेश प्रसाद जी, जिससे आप ज्ञापन सौंपने आए हैं साथ में? मैं मेरे को नोटिस मिला था यहाँ कलेक्टर से काम के लिए, जिसमें से मैं 5 महीना करीबन काम किया हूँ। एक चोटी था मेरे साइड में त्रिदीप दत्ता कहके, वो अंदर मंदर गाली करके मतलब मेरे से शोषण किया और मेरे को कंपनी से भगा दिया गया। इसकी शिकायत मैं शासन प्रशासन हर जगह किया, बाकी आज तक मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। उल्टा मुझसे माफ़ी, मेरे से बोले कि माफ़ीनामा लिख के दो तो ड्यूटी ज्वाइन करोगे, अन्यथा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो कौन कह रहा है आपसे कि माफ़ी मांगिए फिर हम ड्यूटी? त्रिदीप दत्ता बोला, गौरव पाठक भी बोला, खटाना भी बोला, प्रबंधन बोल रही है कि आप माफ़ी मांगे। हाँ तो बोला भाई मैं क्या कसूर है मेरा, तो मैं माफ़ीनामा लिख के दूंगा कि मैं माफ़ीनामा लिख के नहीं दिया, फिर लोग मेरा पंचिंग बंद कर दिए और प्लांट से बाहर कर दिए कि आपको जहाँ जाना है जाओ, कुछ नहीं होने वाला, शासन प्रशासन हमारे जेब में है। देखिए इसके संबंध में हमने जो है 18 तारीख को ही अपनी मांग पत्र पेश कर दिया था और अल्टीमेटली जो है मांग पत्र पेश किया था कि यदि इन बिंदुओं पर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 30 सितंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर जाएंगे। लेकिन अनुविभागीय अधिकारी ने 28 तारीख को हमसे बात की और बोला कि आप आइए और चर्चा वार्ता के ही माध्यम से हम लोग अल्टीमेटली जो है आज चर्चा वार्ता हुआ है कि यदि हमारा मांगों को शांतिपूर्वक ढंग से अगर नहीं सुलझाया गया तो 16 अक्टूबर से हम सोन नदी में बने बैराज पहुंच मार्ग पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अनूपपुर से संवाददाता ओमकार सिंह जुड़ चुके हैं। ओमकार बताइए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, जो स्थानीय लोग हैं उनको अच्छा से वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि बाहर से जो लोग आते हैं उनको ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। ओमकार जी, पूरा मामला क्या है? नितेश जी, मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि सीटू ने प्रभावित खापेदारों के लिए कई प्रकार से प्रबंधन से भी बात करने की भरपूर कोशिश की है और प्रशासन से भी भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन भू अधिग्रहण करते समय जब मोजर बियर पावर प्लांट की नींव डाली जा रही थी, उससे पहले भू अर्जन किया गया था, अनुपुर क्षेत्रवासियों को कई वादे किए गए थे, पुनर्वास नीति का भी लाभ दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन उन्होंने पुनर्वास नीति जो लाभ देना है उस वादा खिलाफी करने में प्रबंधन आमदा हो चुकी है और किसी प्रकार की जो है योजना है, चाहे रोजगार है चाहे बेरोजगारी भत्ता है, कोई भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यहाँ तक कि बार बार ये कह दिया जा रहा है आप कोर्ट चले जाइए, तो उनका ये कहना है, जैसे कि कल बैठक हुई थी SDM साहिबा के साथ में, जो जतारी अनुभागी विभाग की अंजलि द्विवेदी जी हैं, तो उनके तरफ से भी बार बार यही कहा जा रहा था कि आप कोर्ट चले जाइए, हमें प्रबंधन ने कुछ और बताया है और उन्होंने कहा कि हम मांग पूरी करेंगे, लेकिन आज तक उप दिनांक तक मांगे जो है ग्रामीणों की, प्रभावित खातेदारों की, जिनकी भूमि अधिग्रहित कर ली गई है और वो प्रभावित खातेदार आज भी प्रभावित खातेदार हैं, जिनको कोई भी लाभ किसी प्रकार का नहीं मिल पा रहा है। एक तरह से अगर ये देखा जाए तो सिर्फ छलावे के मात्र के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है आज तक प्रभावित खातेदारों को। जी, तो ये लोग क्या चाह रहे हैं, जो स्थानीय मजदूर है वहाँ पे, वो लोग क्या चाह रहे हैं? वो लोग चाह रहे हैं कि
उनकी जो जमीनें अभी ग्रहण कर ली गई थी जिनसे खेती करके अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, आज वो परिवार का भरण पोषण करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं, उन्हें नौकरी भी रखा जा रहा है। तो जो बाहर से मजदूर कर्मचारी आते हैं उन्हें अच्छा खासा बेसिक दिया जाता है, जैसे एक कल्पा बाबू की बात कर रहे हैं जो उन्होंने दिखाया था, उन्हें 26,000 बेसिक दिया गया था 2022 में और उनका बना था 52,000। जो यहाँ के सुपरवाइजर रखे गए थे उन्हें 11,000 में निपटा दिया जा रहा था एक तरह से सरासर। और दूसरी तरफ ये भी आरोप लग रहे थे, कल बातचीत में पता चला कि गालियां प्रताड़ित ना भी भावना की जाती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, न उन्हें नौकरी दी जाती है, नौकरी देने के नाम से छलावा होता है, न गेट पास दिया जाता है, न आई कार्ड दिया जाता है, न किसी प्रकार का स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है। कुल मिला के कहें तो वादा खिलाफी की जा रही है, उसके खिलाफ सीटू और ग्रामीण जो है उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।